हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इससे रिलेटेड वन और टू क्वेश्चंस एकदम से डायरेक्टली पूछे जाते हैं और बहुत इजी वे में इनको सॉल्व भी करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है, जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है, पहले उसको देखते हैं। दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस वन अपॉन टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की। वाई इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस वन अपॉन टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए, इसका डेरिवेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि उस पर रिलेटेड उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपकी इक्वेशन दे रखी y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर के फॉर्म में दे रखी है, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो इससे हम लोग फाइंड क्या करते हैं, इससे आपको रेंज फाइंड करनी होती है, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी होती है और एंगल फाइंड करना होता है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी होती है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करिए और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो देखिए, पहला फॉर्मूला होता है आपका, फर्स्ट फॉर्मूला होता है रेंज, रेंज दैट इज ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। रेंज की बात आ रही है, देखिए यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस का बी होगा, लेकिन रेंज है, रेंज हो गई आपकी, डिस्टेंस हो गई, हाइट हो गई, ये कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं। वहां पर क्या होता है, निगेटिव साइन को निगलेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहेगा वो आपका निगेटिव भी नहीं होगा, पॉजिटिव भी रहेगा। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा मैक्सिमम हाइट, सेकेंड मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ए स्क्वायर अपॉन फोर बी, ए स्क्वायर अपॉन फोर बी। फिर इसके बाद आता है थर्ड नंबर, थर्ड नंबर फॉर्मूला जो आपका होता है दैट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी। अभी इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी इजी वे में क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाते हैं, बहुत इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 इन ब्रैकेट 1 प्लस ए स्क्वायर, 5 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में बी, अपॉन में बी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4 होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज अल्फा इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स ए, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए। तो देखिए कितना इजी में हम सॉल्व करेंगे, अगर कोई भी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी गिवन है तो फर्स्ट वी कंपेयर वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर से उसको कंपेयर कराएंगे, वहां से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाता फाइंड द रेंज, तो फाइंड द रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए अपॉन बी, मैक्सिमम हाइट दैट इज एच ये होता है आपका ए स्क्वायर अपॉन फोर बी, वेलोसिटी यू इज इक्वल टू होता है अंडर रूट फाइव टाइम्स इंटू वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी। अगर पूछा जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज अल्फा इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स ए। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए आपको बताया कि आपके
आपका आयोग का जो गठन होना था वो हो चुका है, और एग्जाम कभी भी किसी भी मंथ में एटलीस्ट दिसंबर के पहले तक वो करवा लेंगे। हर हाल में एग्जाम आपका दिसंबर के पहले पहले हो जाएगा। तो अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दैट मीन्स बार बार आपको क्वेश्चंस की, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका सिलेक्शन फाइनल हो पाएगा। तो आप किसी भी वीडियो को अगर एक बार समझ नहीं आता है तो उसको दो बार तीन बार 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 रिपीट करके नोट्स बनाएं और बार बार उसको देखें, प्रैक्टिस करें उस टाइप के क्वेश्चंस की, तो 100% आपको ये समझ में आएगा और ये बहुत ईजी वे में आपको डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू 14x माइनस 1.7x स्क्वायर, देन फाइंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इस प्रोजेक्टाइल की आपको रेंज फाइंड आउट करनी है, तो देखें कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 14x माइनस 1.7 एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 14x माइनस 1.7 एक्स स्क्वायर। इसको कंपेयर करा देंगे y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, ax माइनस bx स्क्वायर से कंपेयर कराएंगे, दैट मींस यू विल गेट a इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट a है और यहां पर x का कोएफिशिएंट 14 है, दैट मींस a की वैल्यू 14। b इज इक्वल टू यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दे रखा माइनस 1.7 और यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दे रखा माइनस बी, तो जब कंपेयर करेंगे तो आपको b की वैल्यू मिलेगी 1.7। ओके, आपको फाइंड क्या करना है, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज r इज इक्वल टू दैट इज a अपॉन b। फॉर्मूला में अभी अपने हमने अपने आप को लिखवाया हुआ है, रेंज r इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे a की वैल्यू गिवन है 14, b की वैल्यू गिवन है 1.7, ये 7 जाएगा आपका न्यूमरेटर में, दैट मींस 14 इंटू 7 तो ये आएगा आपका 98 यूनिट्स, तो ये आंसर आ गया आपका। कितने इजी वे में आ गया, जो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल गिवन है उसको y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर से कंपेयर कर दिया, दैट मींस वहां से हमने a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। रेंज r का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया a अपॉन b, वैल्यू पुट की, सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया 98 यूनिट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय y इज इक्वल टू x माइनस x स्क्वायर, करा देन फाइंड द वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, देखिए कैसे करेंगे। वही आपको प्रोजेक्ट प्रोसेस यूज करना है, फर्स्ट बी कंपेयर y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, इस इक्वेशन से इसको कंपेयर कराएंगे, देखें यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है माइनस 1, कंपेयर करा देंगे, दैट मींस a इज इक्वल टू मिलेगा 1 और b इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 1। अब करा फाइंड द वेलोसिटी, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। वेलोसिटी u इज इक्वल टू होता है u इज इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में बी। अब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 5 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन बी की वैल्यू है 1, दैट मीन्स क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट 5 इंटू 1 प्लस 1 2 अपॉन में 1, दैट मीन्स ये आएगा 5 टू 10, that means I got root 10, that is velocity of the projectile। तो देखिए कितने easy way में questions को हमने solve किया हुआ है, direct आपके formula पर है y is equal to ax minus bx square। तो ये आपको easy तभी लगेंगे जब आपको सारे के सारे formula बहुत अच्छे से clear होंगे, तभी आप इन questions को अच्छे से solve कर पाएंगे। अगर आपको video एक बार समझ ना आए तो इसको बार बार आपको इसको repeat करें, इसका proper notes करें और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ओके, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आई एम श्योर आपकी तैयारी अच्छी होगी और
और आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।